चलिए, तो चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो, ठीक है, जैसे कि PSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे या फिर अदर्स कोई एग्ज़ाम हो, तो चाहे वह है BA, BSC, BA बीएड, BA LLB, ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, GK और GS के थ्रू भी। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमारे वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिसमें से जो भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। चलिए, आज के इस वीडियो में आप लोग अभी कॉपी पेन नहीं निकाले तो कॉपी पेन निकाल के लिख भी सकते हैं, और नोट्स कैसे मिलेगा ये PDF आपको मैं लास्ट तक में बता दूंगा आप लोगों को। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा किस थ्रू आपको मिलेगा। चलिए आगे, यहाँ पे हम बात करते हैं कि कहने का मतलब कि इसको फटाफट देखते हैं और आप लोग भी पढ़ते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, किस ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो साहित्यिक के क्षेत्र में, ठीक है। सरस्वती सम्मान किससे संबंधित है, तो वह साहित्यिक से क्षेत्र में, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार जो हमारा है, अर्जुन, जैसे कि आप लोग महाभारत देखे होंगे, तो अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है तो खेलकूद से। भटनगर पुरस्कार तो किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक या औद्योगिक, उद्योग जो फैक्ट्री होती हैं उससे संबंधित। चलिए आगे फटाफट आप लोग देखिए, ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो संगीत यानी म्यूजिक से। नोमर बोर लोग पुरस्कार सम्मानित है, तो कृषि से, जो एग्रीकल्चर है उससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फटाफट आप देखते जाइए, एग्रीकल्चर से संबंधित है। लॉयरिंग पुरस्कार जो सम्मानित है वह खेल से संबंधित है, ठीक है, खेल से संबंधित है। फिर आगे देखिए फटाफट आप देखते जाइए, पुलित्ज़र पुरस्कार जो है वो पत्रकार के लिए है, मीडिया के लिए है, ठीक है, मीडिया पत्रकार जो हमारे TV न्यूज़ चैनल वाले होते हैं। किंगलर पुरस्कार जो होती है वह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए होती है, ठीक है। ग्लोबल पुरस्कार जो 500, तो वो पर्यावरण से संबंधित है, जो कि इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ध्वनि तरंगे पुरस्कार जो किससे संबंधित है, तो ध्वनि तरंगे पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है, तो वह है चिकित्सक क्षेत्र में यानी हॉस्पिटल। डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है, तो चिकित्सक यानी हॉस्पिटल के क्षेत्र में। विक्रम साराभाई किस पुरस्कार से सम्मानित है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो हमारा इसरो है उसको हम कह सकते हैं इसरो। क्या अंतरिक्ष अवस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है, तो फिल्म में, यानी कि जो हमारा बॉलीवुड हॉलीवुड है, ठीक है, TV सीरियल, ठीक है, अवस्कर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो यह साहित्यिक क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है वह खेल प्रशिक्षक, ठीक है। द्रोणाचार्य वाला और अर्जुन वाला कई बार पूछ दिया जाता है, जैसे कि महाभारत में आप लोग अगर इसको आप कंप्लीट देखोगे तो आई होप कि एक पुरस्कार से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो इन्हीं में से आएगा, क्योंकि मैं ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी बना के रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मगर ये नोट्स ऐसा है जो जिसमें से आप इसके बाद कहीं और दूसरे जगह जो भी कुछ पूछेगा इसी में से पूछेगा, खासकर LLB, BA, BEd के जितने हुए हैं सभी स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, और BSc। तो चलिए आगे देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खेल कूद से संबंधित है। किस क्षेत्र में दादा साहब फुल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो वह फिल्म क्षेत्र में, ठीक है, जो फिल्म क्षेत्र है उसमें। चलिए आगे देखते हैं, शंकर पुरस्कार दिया जाता है, तो कला एवं संस्कृत जो हमारा कल्चरल है उससे संबंधित। संस्कृत साहित्यिक उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सी पुरस्कार, तो वच जो हमारा है, ठीक है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो ये है, ठीक है, भारत रत्न, जो भारत रत्न पुरस्कार है उससे संबंधित किया गया है। चलिए, व्यास सम्मान किया जाता है, तो ये साहित्यिक में। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के लिए प्रस्तुत की गई है। चले
यहाँ पे मैं पहले से बता दूँ कि एक सभी स्टूडेंट के लिए है, सामान्य एग्जाम है, जीके है, जागरूकता भी है। अगर आप करंट अफेयर्स भी इसमें से तैयार कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम होगी। चलिए आगे हम देखते हैं फटाफट, यहाँ पे देखते हैं कबीर कबीर पुरस्कार सम्मानित है। तो कबीर जी जो हमारे हैं वो तो सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में, ठीक है, कला साहित्यिक विज्ञान सार्वजनिक सेवा के एवं सेवा जीवन में, ये सब पुरस्कार जो हैं तो वह किससे हैं, भारत रत्न, ठीक है, जो वह पुरस्कार है भारत रत्न। उर्दू भाषा, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, उर्दू भाषा के उत्कृष्ट रचनात्मक लेखक हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इकबाल पुरस्कार जो है उर्दू भाषा के लिए। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछ दिया जाता है, अगर आप बी एम एडमिशन ले रहे हैं तो उर्दू भाषा भी पूछ देता है, क्योंकि ये टॉप सवाल है और किसी को याद भी नहीं रहता। तो आप नीचे इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखने से शायद आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मिस इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो मिस इंडिया जो है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए फेमिन पत्रकारों के द्वारा, ठीक है, ये ग्रुप का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए देश में किस सबसे अधिक दूध देने वाली गाय एवं भैंस के स्वामी को किस प्रकार से सम्मान से संबंधित किया जाता है, तो गोपाल रत्न, ठीक है, जो हमारा गाय भैंस है, काऊ है, ठीक है, गाय भैंस है, अगर उनको पुरस्कार दिया जाता है तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो गोपाल रत्न, ठीक है। प्रति एकड़ अधिकतम उपज पैदा करने वाले कृषक को प्रदान की जाती है, तो यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कृषक जो होते हैं एग्रीकल्चर, तो कृषि पंडित पुरस्कार दी जाती है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कृषि पंडित पुरस्कार दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण प्रशिक्षण उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया जाता है, गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है, गोल्ड मेडल पर्यावरण पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनगर पुरस्कार, जैसे कि ये फर्स्ट में भी आया था, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, शांतिनगर भटनगर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है, तो विज्ञान एवं औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। ये यानी कि इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि ये तो फंसना ही है, इस बार फंसेगा ही। चलिए तो पुरस्कार दी जाती है, अब यहाँ पर देखिए पुरस्कार दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, खेल से रहस्य प्रदान करने वाले खिलाड़ियों को किससे सम्मानित किया जाती है, तो राजीव गांधी खेल रत्न। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो राजीव गांधी खेल रत्न है तो खेल से संबंधित, तो इसको नरेंद्र मोदी ने कल ही चेंज कर दिया है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है ये राजीव गांधी पुरस्कार जो है उसको हटा के बीजेपी ने, क्योंकि ये राजीव गांधी कांग्रेस के थे, इसी वजह से उनने ना कांग्रेस का ना बीजेपी करते हुए मेजर ध्यानचंद को रख दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं मेजर ध्यानचंद, जिसमें से आपको याद रहे कि राजीव गांधी खेल को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि देखिए शांति सहित चिकित्सक अर्थशास्त्र विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार जो सम्मानित की जाती है वह किससे है, तो वह है नोबल पुरस्कार, ठीक है, क्या है, नोबल पुरस्कार। राष्ट्रीय एकता एवं फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नरगिस दंत पुरस्कार, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेमन मैक्स को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो यहाँ पे लिपिपिस 1901 से प्रारंभ किए गए नोबेल पुरस्कार की राष्ट्र द्वारा प्रदान की जाती है, तो यहाँ पे स्वीडन, ठीक है, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे रेमन मेस्को जो है तो वह फिलिपिस। कौन सा संगठन क्लिंग पुरस्कार प्रदान की जाते थे, यूनेस्को, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं ऑलरेडी बता दूँ, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पीके पन के डला हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए लास्ट तक देखिए, मैं बीच में भी बता सकता हूँ कहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए यहाँ पे जैसे कि आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, नोबल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो स्वीडन अकेडमी द्वारा, ठीक है। फिर आगे देखें, नोबल पुरस्कार, जो नोबल पुरस्कार है किसके स्मृति में दी जाती है, तो अल्फ्रेड नोबल की, अल्फ्रेड नोबल की, ठीक है, किसकी, अल्फ्रेड नोबल की। नोबल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिए जाती है, तो तीन लोगों की, कितने लोगों की, तीन लोगों की भागीदारी में दी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोग इनको एक बार मतलब कर लेंगे तो आई होप कि आप पुरस्कार से संबंधित तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं फटाफट, ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत किस राशि मतलब कि कितनी राशि दी जाती है, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो है 5 लाख, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान की जाती है, तो 1965 से, ठीक है, 1965 से। खेल प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे, तो 1985 में, ठीक है, 1985 में, 85 में। नोबल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ, तो 1901 से। भारत रत्न सम्मान का आरंभ कब से हुआ था, तो 1954 से, 1944 से, ठीक है, भारत 1954 से। हाँ, यहाँ पे भारत में सर्वोच्च सैनिक, भारत में सर्वोच्च सैनिक अलंकरण, तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं परमवीर चक्र, तो परमवीर चक्र किसको किसको मिला है आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि परमवीर चक्र अभी तक भारत में किसको किसको मिला है, तो चलिए आप नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एनसीसी के क्रेडिट होंगे तो आप जानते होंगे, अगर नहीं होंगे तो भी तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये पूछ भी सकता है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, परमवीर चक्र किसको मिलता है, सर्वोच्च सैनिक अधिकारी को, ठीक है, जो होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखें, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो राइटन लिवी लेट पुरस्कार, ठीक है। यहाँ पे किस वर्ष सी वी रमन को नोबल पुरस्कार मिला था, तो 1930 में। अर्जुन पुरस्कार का नगद राशि कितना है, तो 5 लाख। अगर आपको अर्जुन पुरस्कार मिला है तो आपको 5 लाख मिलेगा, ठीक है, जिस स्टेट से या देश से खेलेंगे, ठीक है, तो या फिर जिले से 5 लाख आपको मिलेगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1985 में, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की नगद राशि कितनी है, तो वो भी 5 लाख ही है, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, ठीक है। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में प्रयास किए जाने का पुरस्कार, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख पा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो पता रहता है कि कितने लोग इस नोट्स को लेने के लिए अवेलेबल मतलब प्रयास कर रहे हैं। तो टेम्बल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान की जाती है, तो 1969, ठीक है, 1969। फिर महात्मा गांधी शांति पुरस्कार कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, तो अगर आपको महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिला है तो आपको 1 करोड़ आपको मिलेगा, ठीक है। यह कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे एशियाई पुरस्कार के नाम से, तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखने से आपको ये रहता है कि जो प्रश्न पूछा रहता है तो शायद आपको ध्यान में आ जाता है, याद में आ जाता है, तो रमन मैक्सिको पुरस्कार, ठीक है। फिर दादा साहब फुलके पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, ठीक है, जो दादा भाई हैं उनका किसके, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोबल एकेडमिक मतलब साइंस ये सब देख लीजिए। अवस्कर पुरस्कार किस संस्था का प्रदान की जाती है, तो अवस्कर पुरस्कार जो है ये नोबल एकेडमी साइंस, ठीक है, यहाँ पे आप फटाफट पढ़ लीजिए। फिर आगे देखें कि अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने का संघर्ष करने वाले
महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दी जाती है? तो यहाँ पे ये देख लीजिए, नीरज भानी, ठीक है आगे देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यिक किस भाषा में थी? तो इसको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मलयालम, ठीक है इसका मलयालम, मलयालम। फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो की गई है, सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे? तो यहाँ पे साहित्यकार कौन थे तो आप लोग तो जानते हैं, जी शंकर। फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वह हैं सुमित्रा नंदन पंत। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यिक थे तो महादेवी वर्मा, ठीक है महादेवी वर्मा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीए में हिंदी भी रहता है, तो आप लोग जानते हैं कि बीए के स्टूडेंट हिंदी, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सरस्वती सम्मान प्रथम पुरस्कार तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है हरिवंश राय बच्चन। चलिए ये हमारा लास्ट पेज है शायद, चलिए यहाँ से हम फटाफट देख लेते हैं। भारत रत्न से भूषण जो है, तो यहाँ पे जो भारत रत्न दिया गया है तो कौन है? डॉक्टर एस राधे कृष्ण, ठीक है भारत रत्न। भारत रत्न से जो प्रथम व्यक्ति है वह मतलब कि अमर तो पढ़ भारत रत्न, तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न के विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो विदेशी जो इंडिया से बाहर, तो खान अब्दुल गफन खान, ठीक है। भारत के एकमात्र नेता जिन्होंने संघर्षीय गृह मंत्री के पद पर रहते ही भारत रत्न सम्मानित किया, तो वह कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नोबल पुरस्कार जो है, नोबल पुरस्कार विजेता प्रथम कौन थे? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। शुभेंद्र चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे भौतिक के क्षेत्र में, ठीक है जो भौतिक क्षेत्र है वो भौतिक है। प्रोफेसर आत्यम सेना के किस क्षेत्र में अर्थशास्त्र को नोबल पुरस्कार मिला था? तो वह है 1921 वर्ष मिला था, तो 1998, ठीक है। भारतीय मूल के दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वह दो नागरिक हैं जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हरि गोविंद खुसरो खुर और सुभद्रा चंद्रशेखर, ठीक है। किन दो भारतीयों को भौतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जैसे कि ये जो चंद्रशेखर है ना, शुक्रमणिक चंद्रशेखर, इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट याद कर लेना। यहाँ पे सीवी रमन, ठीक है सीवी रमन भी कई बार पूछ दिया जाता है, आप लोग को याद रहता है बट पता नहीं रहता। चलिए आगे देखिए फटाफट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यिक हैं? तो यहाँ पे वीएस न्यायपाल। फिर वी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1930 में, किस वर्ष? 1930 में। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्यिक के साहित्यिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1913 में, ठीक है। यहाँ पे आचार्य विनोबा भाव, ठीक है कौन सा मैसेसो पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय? तो आचार्य विनोबा भाव। दादा साहब फुले पुरस्कार प्रथम विजेता थे? तो देवी का रानी रुद, ठीक है। फिर पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान, ठीक है। कांग्रेसनल मेडल ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो अमेरिका, ठीक है किस देश का? तो वह अमेरिका का है। फिर जापान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो जापान का जो सर्वोच्च सम्मान है अवार्ड ऑफ द मेलोविनिया सन अवार्ड, जापान का।
आप लोग इसको लिख लीजिए क्योंकि ये याद नहीं रहते, ठीक है। किस देश का सर्वोच्च सम्मान पॉली मेरिट आयरन क्रॉस है? तो जापानी, जापानी, ठीक है। किसका है? जर्मनी, जर्मनी का। ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो डेविड कोहल पुरस्कार। लेज ऑफ द ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। यहाँ पे शाख अब्दुल अजन, शाख अब्दुल अजीज पदक, अजीज पदक किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो सऊदी अरब का, ठीक है। तो हमारा ये इतना ही था, और आपको जो भी नोट्स वोट्स चाहिए तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9752, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो नंबर दिया है, मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे हमें व्हाट्सअप या फिर हाँ टेलीग्राम पे ये लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आप मिल सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको पीके पनिका सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। पीके पनिका आप सर्च कर लीजिएगा, और यही अगर व्हाट्सअप पे तो न्यू स्टूडेंट का व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ से नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको पीडीएफ। या फिर आपको पीडीएफ चाहिए अगर, तो फिर इसके बारे में जैसे फॉर्म डलाने लगेगा आपको पीडीएफ प्रोवाइड बहुत सारे कराने लगेंगे। तो यह कितना ही नॉलेजफुल रहा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, नॉलेजफुल मिला हो तो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न उठ रहा हो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।